इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन आईएमए ने सेमिनार हॉल में किया। इसमें कानपुर शहर व नजदीकी जिलों में फैले हुए विशेष वायरल बुखार एवं जीका वायरस के प्रकोप को देखते हुए आम जनमानस को बचाव हेतु जानकारी और इलाज में सहायता एवं भ्रांतियों को मिटाने हेतु आयोजन किया गया था। इस पत्रकार वार्ता को आईएमए कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, डॉक्टर विकास मिश्रा, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, डॉक्टर अमित शाह गौर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी कानपुर एवं डॉक्टर देवा ज्योति देवराय, सचिव आईएमए कानपुर ने संबोधित किया। बेसिकली आज हमारे आईएमए कानपुर के द्वारा इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो कानपुर शहर में और उसके आसपास के एरियो में जीका वायरस या उससे जुड़े हुए अन्य वायरल इन्फेक्शन फैले हुए हैं, उसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त हैं लोगों के अंदर, उसके बारे में लोगों को हम जागरूक करें और उसके बारे में लोगों को मतलब सही जानकारी कम से कम मिले, ताकि जो लोग हैं वो डरे नहीं इसके इससे। जीका वायरस इन्फेक्शन एक आरएनए वायरस इन्फेक्शन है, और जो अन्य आरएनए वायरस इन्फेक्शन जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर जैसे इन्फेक्शन होते हैं, तो उसकी तरह इसमें भी बुखार आता है, शरीर में चकत्ते रहते हैं, शरीर में बेसिकली थकावट रह सकती है, मस्कुलर पेन रह सकता है, कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल हो सकती हैं। और इसके अलावा जो जीका वायरस का पर्टिकुलर सिम्टम ये देखा गया है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो कंजनिटल मलफॉर्मेशन के चांसेस, खासकर माइक्रोसेफेली, एनेंसेफेली, मेनिनजाइटिस जैसे फीचर्स मतलब गर्भवती महिला से उत्पन्न होने वाले बच्चे में पाए जा सकते हैं। और अधिकतर मामलों में जो इसका सिम्टम्स हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं। जीका वायरस इन्फेक्शन 80% से ज़्यादा मामलों में एसिम्टोमेटिक रहता है, जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं होते, मरीज को बुखार रहता है हल्का फुल्का या मरीज को हल्की फुल्की दिक्कतें रहती हैं और ज़्यादा कोई दिक्कतें विशेष नहीं होती है। 80% से ऊपर केसेस में कोई रोल नहीं है। सिंस इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन तो इसमें एंटीवायरल या किसी भी एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। इसमें हमें सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के फॉर्म में अगर बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, दर्द है दर्द की दवा देंगे, अगर किसी मामले में प्लेटलेट की कमी ज़्यादा हो गई है तो प्लेटलेट हम चढ़ाएंगे इसमें। और मेन चीज़ होती है हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखा जाता है। और यही जनरल सिम्टम्स कंट्रोल करके ही ज्यादातर मामलों में इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।